नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूं, और कल के लिए भी कुछ मैं वीडियो लेके आया हूं। जितने लोगों ने आज का वीडियो देखा था, आज के लिए जो वीडियो मैंने दिया था, मुझे लगता है कि सब लोगों ने पैसा ज़रूर कमाया होगा। वैसे लेवल्स थे, काफ़ी ईजी था समझने के लिए। और जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिंदल स्टील, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन चारों स्टॉक्स पर काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। तो डेफिनेटली कल के लिए भी कुछ वैसे ही स्टॉक्स लेके आया हूँ, आपको पैसा कमाना चाहिए। तो आप लोग सही से वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो पर, मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस देने पर अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शुरुआत में ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक दिया गया है, आप लोग चेक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरा पेड सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल पर मुझे मेल करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील के ऊपर लेवल से सपोर्ट पहले देखते हैं। सपोर्ट आपका रहेगा 1164। जी हाँ, 1164 आपका सपोर्ट रहेगा। जैसे ही 1164 के नीचे सस्टेन करेगा टाटा स्टील, आप लोग सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा 1155 रुपीस 15 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 1146 30 पैसा और 1132। याद रखिए, अगर टाटा स्टील 1164 के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 1155 15 पैसा, दूसरा रहेगा 1146 30 पैसा और 1132। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा आपका 1172 85 पैसा। 1172 85 पैसे के ऊपर जैसे ही चलता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 1181 70 पैसा और 1197। ज़रूरत पड़ने पर ये आपको 1200 के ऊपर का जो टारगेट है, 1210 का लेवल और 1220 का लेवल ये काफ़ी जल्दी हिट कर सकता है। ध्यान रखिए, अगर 1172 85 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है, तभी बाई करना चाहिए। 1181 70, 1197 और 1210 के आसपास में देना चाहता हूँ। 1200 1200 6 7 या 10 आप ले सकते हो। गाइस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ। अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक में मुझे थोड़ा लगता है कि ये इसमें थोड़ा पॉज लिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में मोमेंटम होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, तो डायरेक्टली एक बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जो भी लेवल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो लेवल्स खास करके नोट करके रखिए। जैसे ही इंडसइंड बैंक सपोर्ट पहले देखते हैं, सपोर्ट ब्रेक करेगा 954 45 पैसा। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करेगा, डायरेक्टली ये 946 60 पैसा टारगेट हिट करेगा। उसके नीचे भी चलता है 938 और 927। याद रखिए, 954 45 पैसे के नीचे आप इंडसइंड बैंक को सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा 946 60 पैसा, दूसरा रहेगा 938 और 927। यहाँ तक आपको टारगेट हो सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 967। जैसे ही 967 के ऊपर चलने लगता है, आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 979 70 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 993 65 पैसा, तीसरा रहेगा 1010। याद रखिए, अगर इंडसइंड बैंक 967 के ऊपर चलता है, बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 979 70 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 993 65 पैसा और तीसरा रहेगा 1010। यहाँ तक आपको टारगेट हो सकता है।
तो गाइस किसी को भी अगर पेड सर्विस ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप लोग को फिर भी ज्वाइन करना है, इंटरेस्ट हो, मेल नहीं कर पा रहे हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में आके आप इंटरेस्टेड लिखो, मैं आपको वहाँ पर मेरा नंबर शेयर करूँगा, आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर या कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। देखिए गोदरेज सिप्पी पर मैंने कल बताया था, जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने रेजिस्टेंस 91395 पैसा का बताया था, और सपोर्ट भी दिया था मैंने 90940 पैसा का। मार्केट ने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया और रेजिस्टेंस 929 तक मैंने टारगेट बताया था, 929 तक उसने हिट किया। जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था यहाँ पर और काफ़ी अच्छा सस्टेन भी किया था। मैंने आपको कल क्लियरली बताया कि ऊपर जा सकता है और लेवल्स यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, मैंने सारे लेवल्स बता दिए थे। जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, जितने लोगों ने ट्रेड लगाया होगा, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। तो चलते हैं कल के लिए, कल आप उसको कहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हो, क्या एक बाइंग जो क्रिएट हुआ है क्या ये कंटिन्यू रहेगा या थोड़ा करेक्शन आ सकता है, सारा चीज़ हम लोग अभी देखते हैं। सपोर्ट रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 91730 पैसा। याद रखिए अगर गोदरेज सिप्पी 91730 पैसा के नीचे अगर चला आता है, 91730 पैसा के नीचे अगर चला आता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 91120 पैसा, तीसरा रहेगा 90510 पैसा। तो 91730 पैसा के नीचे अगर चलता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 90911 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 90510 पैसा। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 929.50 पैसा। जैसे ही डे का हाई रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेगा मार्केट, पहला टारगेट रहेगा 934.75 पैसा, दूसरा रहेगा 940 और तीसरा रहेगा 948। याद रखिए अगर गोदरेज सिप्पी 929.50 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 934.75 पैसा, दूसरा रहेगा 940, तीसरा रहेगा 948। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थे मैंने क्लियरली बता दिया हूँ, ध्यान से नोट करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और अगर जितने लोगों ने आज गोदरेज पर पैसा कमाया, गोदरेज सिप्पी पर, अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ क्या नहीं, अगर आपको कल जो मैं लेवल्स दिए थे आज अगर अचीव हुआ है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए फीडबैक है। हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ है, सारा चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और वीडियो अगर पसंद आता है, लेवल्स अगर पसंद आता है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का मैंने कल आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट देने की लेवल पर जा सकता है। अगर आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट के लेवल पर आ चुका है जिंदल स्टील, मैंने जितने लोगों ने जिंदल स्टील का लेवल कल नोट किया होगा, जितने लोगों ने जिंदल स्टील पर ट्रेड किया होगा, करीबन 423.60 पैसा और 429 तक का लेवल मैंने आपको बताया था। तो इसने जो लेवल आपको दिखाया यहाँ पर करीबन 425 के आसपास, 425 का लेवल आपको इसने हिट किया है। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे सारे अचीव हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग पैसा कमा सकते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए कल के लिए देखते हैं कल कौन से लेवल पर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जिंदल स्टील का सपोर्ट रहेगा 41330 पैसा। याद रखिए अगर जिंदल स्टील 41330 पैसा 30 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 406.90 पैसा, 406.90 पैसे के नीचे भी चलता है 402.65 पैसा। याद रखिए अगर जिंदल स्टील 413.30 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो।
पहला टारगेट रहेगा 40690 पैसा, दूसरा रहेगा 40265 पैसा। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 41950 पैसा। जैसे ही 41950 पैसा के ऊपर जिंदल चला जाता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट 425 रुपीज़ 75 पैसा और 431। याद रखिए 49150 पैसा के ऊपर चलता है, बाय कर सकते हो जिंदल को। टारगेट रहेगा 425 75 पैसा, 431। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया मैंने, सारे आपको मिल चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो उसको नोट करके ट्रेड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।